नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। लॉकडाउन में ट्रक द्वारा अपने गांव लौट रहे प्रवासी परिवार को ट्रक चालक ने पुलिस चेकिंग का डर दिखाकर प्रवासी दंपति को उतार दिया और चार बच्चों को लेकर मौके से फरार हो गया, जिसमें दो बड़ी लड़की व दो छोटे बच्चे थे। ट्रक चालक ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। दंपति की सूचना पर पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। इस दंपति ने पुलिस में तहरीर देते हुए बताया कि वह जिला बरेली के निवासी हैं तथा हरिद्वार में मजदूरी करते हैं। लॉकडाउन के दौरान वह वहीं फंस गए थे। मंगलवार को वह चार बच्चों के साथ बरेली अपने घर जाने के लिए हरिद्वार से रुद्रपुर के लिए ट्रक में बैठे थे। उसने बताया कि धामपुर से कुछ दूर पहले ही ट्रक चालक ने दंपति को यह कहते हुए ट्रक से उतार दिया कि आगे पुलिस की चेकिंग है, दोनों पति पत्नी यहीं उतर जाएं, वह नगीना चौराहे से आगे जाकर ट्रक रोक लेगा। यदि ऐसा नहीं किया तो पुलिस उनके परिजनों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर देगी। ट्रक चालक की बातों पर भरोसा करते हुए वह वहीं उतर गए, जबकि ट्रक में बैठी दो पुत्रियां व दो छोटे पुत्र को लेकर ट्रक चालक चला गया। नगीना चौराहे पर जाकर देखा तो ट्रक नहीं मिला, जिससे वह घबरा गए और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया। ट्रक में सवार एक किशोरी ने ट्रक चालक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को आप बीती बताई। थाना कोतवाली प्रभारी रंजन कुमार शर्मा ने आरोपी ट्रक चालक उमेश चंद पुत्र रमेश चंद निवासी जिला अल्मोड़ा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पीड़ित किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। धामपुर से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। एक ड्राइवर द्वारा जो है रेप का मामला सामने आया है, प्रवासी मजदूर की बेटी के साथ, क्या मामला है पूरा? ये कुछ लोग जो है हरिद्वार में चंडी पुल से एक ट्रक में सवार हुए थे, जिन्हें की बरेली जाना था। ट्रक वाला एक जा उसके द्वारा बताया बरेली छोड़ दूंगा, परंतु रुद्रपुर जा रहा था वो। उसमें उनकी जो व्यक्ति सवार थे उनके दो तीन बच्चे थे और माँ बाप थे। उसके उपरांत ट्रक में धामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है नगीना चौराहे पर माँ बाप ने यह उतार दिया कि आगे पुलिस की चेकिंग हो रही है और बच्चों को लेके वो ट्रक वाला वहाँ चला गया। इसकी जानकारी थाने पर उनके माँ बाप द्वारा दिया गया कि बच्चों को लेके चला गया है। तत्काल पुलिस की तीन टीमें सक्रिय की गई, पूरे जिले में नाकाबंदी करा के और कंट्रोल रूम माध्यम चेकिंग कराई गई। शेर रोड रोड पर ही ट्रक को पकड़ लिया गया। उसमें एक बच्ची जो उनकी नाबालिग थी उसके साथ जो गलत बात करने की गलत काम करने की बात सामने आई है। बच्ची से पूछताछ की द्वारा बताया गया ट्रक ड्राइवर द्वारा उसके साथ गलत काम किया गया। इसकी जानकारी पर उचित धाराओं में भी पंजीकृत कर गया है। ट्रक से जो तलाशी पर उसे एक तमंचा भी बरामद हुआ ट्रक वाले गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे विधिक कार्रवाई करते हुए आज जेल भेजा जा रहा है। और जो पीड़िता का मेडिकल और बयान आदि की कार्रवाई की जा रही है।